फाइनली गाइस हम बाटी चौका पहुंच चुके हैं और ये बहुत ही अच्छी जगह है जहां हम कुछ देसी स्टाइल में और इंडियन स्टाइल में खा सकते हैं। और बाटी चौका तो आपको पता है सभी का फेवरेट है और फिलहाल ये बिहार का ही स्पेशल है और राजस्थान में भी इसे खाया जाता है। तो चलिए फिलहाल हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो इन्होंने बना रखा है एकदम विलेज स्टाइल, ये विंडोज़ वगैरह एंड ये वुडन चीज़ें सारी, और ये जो इन्होंने अपना कुल्हड़ दिया है और पत्तल वगैरह दिया है पानी पीने के लिए। आपको कुल्हड़ में पानी पीना है और पत्तल में आपको खाना खाना है। यहाँ पे कोई प्लेट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। सो इनका बहुत ही अच्छा सिस्टम है और यहाँ पे इन्होंने हर जगह लालटेन टान रखे हुए हैं ताकि उससे थोड़ी सी डेकोरेशन भी इनकी हो जाए, उजाला भी बने रहे। तो फिर बीच में इन्होंने ट्री लगा रखा है, ये ट्री बहुत ही अच्छा लग रहा है इनका पूरा डेकोरेशन में, एक बीच में पॉइंट आ गया है ऐसा। और ये वुडन इन्होंने जो रूफ पे सीलिंग कर रखी है वो वुडन की गाड़ी कर रखी है। बाकी इन्होंने पेंटिंग्स वगैरह है बहुत ही अच्छी यहाँ पे है। यहाँ पे चेयर्स जो हैं वो नक्काशी टाइप के सारे हैं। और देखिए हमारा बाटी चोखा सब आ चुका है। सबसे पहले तो हमारी ये कुल्हड़ में जो है ये मट्ठे आ चुके हैं, ये हमारे बाटी आ चुकी है, टमाटर का चोखा, मिर्चा एंड ये हरी चटनी, इसके साथ हमारा ये आलू का स्पेशल चोखा जो आलू और बैंगन का है। सो देख के मुँह में पानी आ गया, मुझे बहुत ही टेस्टी है ये मिर्चे भी, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी खाना है यहाँ का। और आप लोग ज़रूर जाइएगा, ट्राई करिएगा। मैं इसका एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि आपको कहाँ जाना है। फ़िलहाल हम लखनऊ में हैं और ये लखनऊ में स्पेशल पॉइंट है बाटी चौक, वहाँ हम लोग गए हैं। सो कुल्हड़ हमने ट्राई किया, बहुत ही टेस्टी है। अब फ़िलहाल चलती हूँ मैं इसे निकालने, चलिए सर्व कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। ओहो, तो फाइनली गाइस हम लोगों ने टेस्ट कर लिया है, बहुत ही यम्मी सा है इनका ये जो फूड बाटी चोखा बहुत ही। और ये बाटी के साथ जो इन्होंने घी दिया है वो एकदम भर भर के दिया है फुल क्वांटिटी में। मैंने तो बहुत अच्छे से लगाया हर बाटी को तोड़ के और अच्छे से एकदम घी लगाया। सो मतलब वर्थ मनी है आपका। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर आप पैसे दे रहे हैं तो कोई भी आपको लगेगा कि ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे रेट पे और आपको चीज़ें बहुत अच्छी खाने को मिल रही हैं, प्लस देसी स्टाइल मिल रहा है जो आपको आपको बाहर कहीं मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो और ये साथ में जो इनकी मिर्ची थे हरे वाले, ये इन्होंने बहुत ही अच्छे मसाले में बना रखे हैं। सो ओवरऑल वेरी गुड रेटिंग। अगर आप लोग जाना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इसका एड्रेस और आप लोग ज़रूर जाइए ट्राई करिए, इसका मट्ठा भी बहुत अच्छा था। सो फाइनली देख लेते हैं आप लोग, यहाँ पे लाइव बेसन बन रहा है जिससे इन लोगों ने बाटी में भरनी होती है। सो सारी चीज़ें ये लोग लाइव बनाते हैं बिल्कुल देसी स्टाइल, यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं। और यहाँ पे मिर्चे वगैरह देखिए ये लोग सुखा रहे हैं, इन्हीं मिर्चों का यूज़ करते हैं ये। बाकी मतलब एकदम बहुत ही अच्छा फील आपको देगा। यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह चल रही हैं आजकल और इधर आपकी बाटी वगैरह सब बनते हैं। सो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोग ज़रूर जाइए ट्राई करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर थैंक यू लिखिए। सो एक बार फिर से मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी बना रखी हैं इन लोगों ने, पूरी विलेज स्टाइल में बना रखी है। तो आप लोग देखिए और मुझे बताइए कैसा आप लोगों को लगा, और जाके तो ज़रूर बताइएगा खा के कि आपको कैसा टेस्ट लगा मुझे।
और कोई क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा, और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स गाइस।